नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जेनरिक रिपोजिटरी बनाई थी और इस वीडियो में हम लोग जेनरिक रिपोजिटरी को यूज़ करने वाली यूनिट ऑफ वर्क क्लास जो है वो बनाएंगे। यूनिट ऑफ वर्क क्लास जो है वो जेनरिक रिपोजिटरी को यूज़ करेगी और उसके बाद में हम लोग सर्विसेज बनाएंगे। वो सर्विसेज जो हैं वो उस यूनिट ऑफ वर्क को कंज्यूम करेंगी, ठीक है। तो पर्टिकुलर किसी भी डाटा को अगर हम लोगों को कॉल करना है तो हम लोग उसको ही यूज़ में लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं आई यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। आई यूनिट ऑफ वर्क जो है इसी में हम लोग BLL के अंदर ही बनाएंगे। तो रिपोजिटरी हो गई, यहाँ पर यूनिट ऑफ वर्क जो है यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं या हम लोग रिपोजिटरी के अंदर ही बना लेते हैं, क्योंकि इसमें जेनरिक रिपोजिटरी ही आप लोगों के पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नेक्स्ट न्यू आइटम हम लोग करते हैं और इसमें हम लोग इंटरफेस ऐड करते हैं। इस इंटरफेस का नाम हम लोग रख देते हैं आई यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, आई यूनिट ऑफ वर्क जो है वो मेक इट पब्लिक हम लोग सबसे पहले कर देते हैं इसको, और यहां पर हम लोग जो है इसको कर देते हैं आई जेनरिक रिपोजिटरी ऑफ टी, ठीक है। एंड इसका नाम हम लोग रख देते हैं जेनरिक रिपोजिटरी, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी हम लोग बनाएंगे और इसको भी हम लोग यहां पर आई जेनरिक रिपोजिटरी ऑफ टी यहां पर कर देंगे, और वेयर टी हम लोग यहां पर डिफाइन कर देंगे कि वेयर सॉरी, ठीक है, जेनरिक रिपोजिटरी होगी वेयर टी इज अ क्लास, ठीक है। एरर क्यों आ रहा है वो तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। एंड इसमें एक और मेथड हम लोग यूनिट ऑफ वर्क में बना देंगे सेव का, वॉइड सेव। अब इसमें किसी को प्रॉब्लम है, ये है सी शार्प रैप कोड रेफरेक्ट प्रोवाइडर एनहेंसेस एन एरर बीन डिसेबल्ड, ओके। तो यहां पे देखिए आई जेनरिक रिपोजिटरी ऑफ टी मैंने यूज किया है, उसकी एक प्रॉपर्टी मैंने यहां पर बनाई है, मान के चलिए जेनरिक रिपोजिटरी ऑफ टी, ठीक है। और वेयर टी जो है मैंने क्या डिफाइन कर दिया कि एक क्लास है, ठीक है। ये वेयर जो है यहाँ पर कोज हो गया है ना, ये वेयर लगेगा इसमें, ये याद रखना बस, ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू लगेगा। अब यहाँ पर इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि मैंने एक मान के चलिए कि एक जेनरिक रिपोजिटरी का एक मेथड सा बनाया है इसमें, ठीक है, जो टी को डिफाइन करता है कि क्लास है। अब यहाँ पर मैं यूनिट ऑफ वर्क जो है वो बना लेता हूँ, एक न्यू क्लास के नाम से मैं लिख देता हूँ और उसको आई यूनिट ऑफ वर्क से मैं इनहेरिट कर लूँगा, यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। यूनिट ऑफ वर्क जो क्लास है उसको मैं किससे इनहेरिट करूंगा, आई डिस्पोजेबल से कर लूंगा। सबसे पहले इसको मेक इट पब्लिक यूज करता हूं मैं, और उसको मैं यूज करूंगा आई यूनिट ऑफ वर्क से। आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा, आप देखना, आई डिस्पोजेबल से यूज कर लूंगा, ठीक है। प्राइवेट कॉन्टेक्स्ट क्लास यूज करना है, प्राइवेट रीड ओनली एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट सॉरी, ठीक है। इसको मैं जो है कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज कर देता हूं, ठीक है, कर दिया इनिशियलाइज। अब हमारे पास ये इंप्लीमेंट करूंगा इसको मैं, क्योंकि इसके अंदर एक ही मेथड है इंप्लीमेंट इंटरफेस। जैसे ही मैं इंप्लीमेंट करूंगा तो आप लोग ये देखिएगा कि यहां पर क्या गया, आई जेनेरिक रिपोजिटरी ऑफ टी आ गया जो कि रिटर्न करेगा, ठीक है। एक मेथड होना चाहिए ना उसके अंदर, आप लोगों के यूनिट ऑफ वर्क क्लास के अंदर होना चाहिए। तो उसके अंदर एक जेनरिक रिपोजिटरी नाम से एक फंक्शन हो गया, ठीक है, टी, और जहाँ पर टी क्या हो गई, क्लास हो गई, ये डिफाइन हो गया। अब इस जेनरिक रिपोजिटरी ऑफ जो टी है, आई जेनरिक रिपोजिटरी ऑफ टी, ठीक है, इसको मैं क्या कर दूंगा, इसमें कोई भी क्लास अगर मैं डाल दूंगा टी के अंदर तो वो इनिशियलाइज होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा आई जेनरिक रिपोजिटरी ऑफ टी, ठीक है, और इसको मैं लिख देता हूँ रेफो, इसको इनिशियलाइज कर दूंगा मैं न्यू जेनरिक रिपोजिटरी ऑफ, जो जेनरिक रिपोजिटरी है ना अपनी जो हम लोगों ने बनाई थी आई जेनरिक रिपोजिटरी, इसमें क्या डाल दूंगा मैं, ये जेनरिक रिपोजिटरी ऑफ टी डाल दूंगा, ठीक है। और
इसको इनिशियलाइज कर दूंगा क्योंकि ये बेस क्लास कंस्ट्रक्टर है, इसमें एक जो कि कॉन्टेक्स्ट क्लास से इनहेरिट है, ठीक है। अब रिटर्न कर दूंगा मैं आई जनरेट रिपोजिटरी ऑफ टी करना है तो रेपो हम लोग इसको रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि आई जेनेरिक रिपोजिटरी ऑफ टी में हम लोगों को क्या डालना है, जेनेरिक रिपोजिटरी ऑफ टी और कॉन्टेक्स्ट क्लास से उसको इनिशियलाइज कर देना है। अब वॉइड सेव मेथड मैंने बनाया था तो उसको मैं लिख देता हूँ अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। अब ये सारा चीजें जो है आप लोगों को हर एक प्रोजेक्ट में आप लोगों को ऐड करना है, ये मान के चलिए अगर आप लोग यूनिट ऑफ वर्क यूज में ले रहे हैं तो आप लोगों को ये चीज करनी ही है। अब डिस्पोजेबल वाला जो सिस्टम है, ठीक है, ये वाला, ये हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो हम लोग इम्प्लीमेंट किससे करेंगे, जो हम लोगों ने जेनरिक रिपोजिटरी में इम्प्लीमेंट किया था आई डिस्पोजेबल, वही हम लोग यहाँ पर भी करना है। तो सिमिलर चीज़ है तो हम लोग यही जो है कॉपी पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल सी उठाया यहाँ से, और तो डिस्पोज का सिस्टम नहीं है, यस। तो यूनिट ऑफ वर्क में आप लोग यहाँ पर रख दीजिए इसको, तो ये चीज़ भी आप लोगों की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लोगों का यूनिट ऑफ वर्क जो है वो पूरा कम्प्लीटली तैयार हो चुका है, उसको आप लोगों ने अब जैसे ही सपोज करिए आप लोगों के पास आया रूम टाइप, ठीक है, रूम टाइप जो है सारे के सारे रूम्स आप लोगों को टाइप जो है वो निकालने हैं, ठीक है। तो मैं यूनिट ऑफ वर्क क्लास यूज़ करूँगा, ठीक है, यूनिट ऑफ वर्क जैसे ही मैं यूज़ करूँगा तो इसका मैं एक डिपेंडेंसी बनाऊँगा, ठीक है, यूनिट ऑफ वर्क की, आई यूनिट ऑफ वर्क अंडरस्कोर यूनिट ऑफ वर्क। यूनिट ऑफ वर्क जो है इसमें आप लोग क्या डालेंगे, यूनिट ऑफ वर्क किसको गेट कर सकता है, जेनेरिक रिपोजिटरी इसको, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या डाल दिया, रूम टाइप डाल दिया, ठीक है, जेनेरिक रिपोजिटरी अंडर आप लोग लिखेंगे अंडरस्कोर यूनिट ऑफ वर्क डॉट जेनेरिक रिपोजिटरी ऑफ टी, टी की जगह आप लोगों ने डाल दिया रूम टाइप, ब्रैकेट लगाया डॉट, ठीक है, क्योंकि जेनेरिक रिपोजिटरी किसको इनिशियलाइज कर दिया इसने, जेनेरिक रिपोजिटरी ने, आप लोग देखिए यूनिट ऑफ वर्क आ गया ये रहा, ठीक है, इसमें आप लोगों ने किसको इनिशियलाइज कर दिया, इसको आ गया ये रहा, ठीक है। तो जैसे ही ये कॉल होगा जेनरिक रिपोजिटरी तो यहाँ पर आ गया न्यू इनिशियलाइज में कॉन्टेक्स्ट आप लोगों ने पूरा का पूरा जेनरिक रिपोजिटरी ऑफ उसमें टी में भेज दिया, जेनरिक रिपोजिटरी आ गया ना इसमें आई जेनरिक रिपोजिटरी ऑफ, मतलब जेनरिक रिपोजिटरी इसमें, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न कर देगा आप लोगों को, रेपो को, मतलब इस जेनरिक रिपोजिटरी ऑफ आई जेनरिक रिपोजिटरी ऑफ टी, यानी आई जेनरिक रिपोजिटरी ऑफ, आई जेनरिक रिपोजिटरी ऑफ ये, आई जेनरिक रिपोजिटरी ऑफ रूम टाइप, ये रूम टाइप आ गया यहाँ पर। तो डॉट आगे लगाकर हम लोग गेट ऑल को भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, गेट बाई आई डी को भी कॉल कर सकते हैं, गेट बाई आई डी एसिंक को भी कॉल कर सकते हैं, सभी को कॉल कर सकते हैं इससे हम लोग। तो आप लोगों को लिखना है अंडरस्कोर यूनिट ऑफ वर्क डॉट जेनेरिक रिपोजिटरी ऑफ दिस रूम टाइप ब्रैकेट डॉट गेट ऑल, तो आप लोगों का ये कॉल हो जाएगा। आप लोगों को अगर ये चेक करना है तो आप लोग इजीली ये चीज़ भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर दिखाता हूँ, वैसे मैं करूँगा नहीं लेकिन मैं आप लोगों को यहां पर एक एग्जांपल दिखा दूंगा इसका। जैसे प्राइवेट अंडरस्कोर सॉरी आई यूनिट ऑफ वर्क, आई यूनिट ऑफ वर्क एक्चुअली में किस में है, रिपोजिटरी में है, तो मैं यूज कर लेता हूं अंडरस्कोर यूनिट, यह भी एज ए सर्विस मैंने इंजेक्ट नहीं किया, बस मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं रूम टाइप यूज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूंगा अंडरस्कोर यूनिट ऑफ वर्क डॉट, अभी लिखूंगा नहीं, डॉट जेनरिक रिपोजिटरी, इसमें मैं जेनरिक रिपोजिटरी में यहाँ पर टी डालना है तो मुझे मैं लिखूंगा रूम टाइप, लिख लिया डॉट, सारे के सारे गेट ऑल, ये देखिए गेट ऑल, गेट बाई आई डी, गेट बाई आई डी एसिंक, ये सारे के सारे आ गए। तो सारे के सारे जो रूम टाइप्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। आप लोगों को ये सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ा सिर्फ इसको गेट करने के लिए, और ये सारा सिस्टम जो है आप लोग हटा देंगे यहाँ से। तो अभी हम लोग इसी के पर्पज से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, यूनिट ऑफ वर्क के। तो यूनिट ऑफ वर्क भी हम लोगों ने बना लिया है, ऑलमोस्ट सारा सब कुछ कर लिया है हम लोगों ने। अब हम लोगों को सर्विस लेयर बनानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग क्या बनाएंगे, सर्विस लेयर। ये रूम टाइप इसीलिए मैंने आप लोगों को इनिशियलाइज करके बताया था भाई, ठीक है। ये वेब हो गया, ये सोर्स आइटम हो गया, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर हम लोगों को ऐड करना होगा एक नया प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट का नाम होगा ऑनलाइन होटल डॉट सर्विसेस। तो यहां पर मैं ऐड कर लेता हूं क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट,
अरे दिखा दो, क्लास लाइब्रेरी आ गया। अरे बैक में आ गया होगा ना, देखिए ये आ गया क्लास लाइब्रेरी। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आ गया ऑनलाइन होटल डॉट सर्विसेस, लॉन्ग टर्म सपोर्ट सर्विसेस। अब ये जो है ऑनलाइन होटल डॉट सर्विसेज भी इसमें आप लोगों के पास ऐड हो गया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमारी सर्विसेज तैयार कर सकते हैं और इंडिविजुअल के लिए हम लोग रिपोजिटरी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने जेनरिक रिपोजिटरी यूज़ की है, आई यूनिट ऑफ वर्क ही यूज़ किया है और कुछ भी हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ नहीं किया है, ये आप लोग मानकर चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास व्यू मॉडल्स हैं, ठीक है। व्यू मॉडल्स में हमारे पास रूम टाइप व्यू मॉडल है, ठीक है। इसका हम लोग कंस्ट्रक्टर भी यहाँ पर बनाएंगे, उसको कन्वर्ट करने का सिस्टम भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और सब कुछ लिखेंगे, ठीक है, ताकि वो चीज़ कन्वर्ट भी हो जाए। और सर्विसेज भी हम लोग तैयार करेंगे। तो यहाँ पर सर्विस में जो है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं आई इंटरफेस यूज़ करेंगे हम लोग। एक इजी सा मेथड जो है वो मैंने करके आप लोगों को बताया, जो चीज़ें आप लोगों की ज़रूरी हैं वो सारी आप लोग उसमें लिख लीजिए जेनरिक रिपोजिटरी में। जो कॉमन फंक्शंस थे वो मैंने वहीं काम में लिए हैं बस, ठीक है। आई यूनिट ऑफ वर्क, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आई रूम टाइप सर्विस, आई रूम टाइप सर्विस, ठीक है, पब्लिक, ठीक है। और इसका मैं एक रिपोजिटरी बना लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसमें कॉमन फंक्शन लिखूंगा ताकि आप लोगों को ये पता लग जाए कि आप लोगों को एक्चुअली में चाहिए क्या है। अब हमारे वेब प्रोजेक्ट में आप लोग आ जाइए, वेब प्रोजेक्ट में कंट्रोलर पर आ जाइए, सॉरी एरिया में कंट्रोलर पर आ जाइए, एडमिन में आ जाइए और कंट्रोलर में आ जाइए और रूम टाइप में आ जाइए। अब यहाँ पर आप लोगों को चाहिए है कि आप लोग जो है आई रूम टाइप सर्विस को यूज़ करें, ठीक है। तो आई रूम टाइप सर्विस को अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो उसके रिगार्डिंग आप लोगों को डिपेंडेंसीज भी लगानी पड़ेंगी, मतलब इसमें भी ऐड करनी पड़ेगी, वो तो ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखिए कि आप लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट रूम टाइप्स डॉट टू लिस्ट, मतलब सारा का सारा डाटा आप लोगों ने गेट करना चाहते हैं रूम टाइप टाइप का, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखेंगे सर्विस में, आई रूम टाइप सर्विस में यहाँ पर आप लोग लिखेंगे लिस्ट ऑफ टाइप, यानी कि आई इन्यूमरेबल ऑफ टाइप, और इसमें आप लोग लिखेंगे रूम टाइप व्यू मॉडल, टाइप व्यू मॉडल। जैसे ही आप लोग लिखेंगे रूम टाइप व्यू मॉडल तो आप लोगों से ये पूछेगा एड रेफरेंस टू व्यू मॉडल, बिल्कुल हम लोगों को चाहिए है, और हम लोगों को चाहिए है गेट ऑल, ठीक है, गेट ऑल रूम टाइप्स, ठीक है। हम लोगों को सारे के सारे रूम टाइप्स जो हैं वो चाहिए हैं। ये बात आप लोगों को फर्स्ट मॉडल में आप लोगों को समझ आ गई कि सारे के सारे रूम टाइप व्यू मॉडल में हम लोगों को चाहिए हैं। तो इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, अब ऑनलाइन सर्विसेज ऐड करते हैं। बारीकी से समझा रहा हूँ अब मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब मैं सर्विस में यहाँ पर क्या लिखता हूँ, यहाँ पर रिपोजिटरी लिखता हूँ, तो रूम टाइप रिपोजिटरी, रूम टाइप सर्विस, क्लास बना लिया, इसको हम लोग पब्लिक बना लेते हैं, और इसको इनहेरिट किससे कर लूँगा मैं, आई रूम टाइप सर्विस से। अब इसमें आप लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, और इसको मैं कंट्रोल इम्प्लीमेंट इंटरफेस, ठीक है। अब इसमें रिटर्न क्या करना है, इसको ओल्ड जितने भी रूम टाइप्स हैं उनको यूज़ करना है, तो यूनिट ऑफ वर्क को यूज़ करूँगा अब मैं यहाँ पर, प्राइवेट आई यूनिट ऑफ वर्क अंडरस्कोर यूनिट यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है, कंट्रोल डॉट एड रेफरेंस कर लिया, और मैं इसको क्या ऐड कर देता हूं, जनरेट कंस्ट्रक्टर, इनिशियलाइज कर दिया इसको सर्विस को। अब मैं यहां पर सारे के सारे रूम टाइप्स को गेट करना चाहता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं बना लूंगा रूम टाइप, सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा यहां पर, रूम टाइप, ठीक है, सॉरी वेयर रूम टाइप, ठीक है, या टाइप सारे के सारे चाहिए अंडरस्कोर यूनिट ऑफ वर्क डॉट डॉट जेनेरिक रिपोजिट सॉरी डॉट जेनेरिक रिपोजिटरी, इसमें मैं क्या लिख दूंगा, रूम टाइप चाहिए भी मेरे को, इसमें मॉडल भी आप लोगों के पास आने चाहिए मॉडल्स, क्योंकि मॉडल्स तो मैं गेट करूंगा इसमें,
रूम टाइप सी है भाई मेरे को सारे के सारे, डॉट गेट ऑल सारे के सारे चाहिए भाई। अब इसमें आप लोगों को कोई समस्या, इसमें आप लोगों के पास सारे के सारे रूम टाइप्स आ जाएंगे। देखिए रूम टाइप आ गए। अब रूम टाइप्स को हम लोगों को कन्वर्ट करना है, तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को व्यू मॉडल लिखना है, क्योंकि हम लोगों को रूम टाइप्स जो लिस्ट है वो ही तो हम लोगों को रिटर्न करवानी है ना, कि जितने भी रूम टाइप्स हैं वो रूम टाइप व्यू मॉडल में वो कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को रिटर्न करना है रूम टाइप व्यू मॉडल, ये तो आप लोगों को पता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है, इसका एक लिस्ट ऑफ क्या बनाना पड़ेगा, रूम टाइप व्यू मॉडल का एक वो बनाना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ, हम ये कह सकते हैं लिस्ट ऑफ रूम टाइप व्यू मॉडल, और हम लोग ये कह सकते हैं डिटेल लिस्ट। हर बार मैं इसका नाम जो है व्यू मॉडल रख देता हूँ, चलो व्यू मॉडल लिस्ट, तो VM लिस्ट इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ रूम टाइप व्यू मॉडल, ये मैंने बना लिया। अब इसको हम लोग हमेशा कन्वर्जन करने के लिए, इसको कन्वर्जन करने के लिए हम लोग क्या रखेंगे, जो हमारा रूम टाइप व्यू मॉडल है उसमें हम लोग एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। ये रूम टाइप व्यू मॉडल ही है, इसमें हम लोग एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे भाई, जो कि क्या रिटर्न करेगा, ये रूम टाइप व्यू मॉडल है, यहां पर हम लोग रखेंगे रूम टाइप, एड रेफरेंस टू मॉडल, ठीक है, और यहां पर हम लोग रखेंगे मॉडल। अब मॉडल रख दिया, तो इसमें इसकी जो आईडी है वो किससे इनिशियलाइज हो जानी चाहिए, मॉडल डॉट आईडी से। इसका जो नेम है वो किससे इनिशियलाइज हो जाना चाहिए, मॉडल डॉट नेम से। इतनी बात आप लोग समझ में आ गई होगी आप लोगों को। मैंने क्या कर लिया, रूम टाइप व्यू मॉडल के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, जिसमें हमारे पास क्या आ रहा है, मॉडल आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं रूम टाइप सर्विसेज में, यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि जो VM लिस्ट है मेरी, ठीक है, जो एक्चुअल में मेरी क्या है VM लिस्ट, उसमें मेरे पास क्या आ जाए, उसमें मेरे पास आ जाए हम लोग लिखते हैं कन्वर्ट मॉडल टू व्यू मॉडल, कन्वर्ट मॉडल टू व्यू मॉडल लिस्ट पूरा लिख देते हैं, कन्वर्ट मॉडल टू व्यू मॉडल लिस्ट, ठीक है। तो ये एक मेथड का नेम हो गया हमारा, कन्वर्ट मॉडल टू व्यू मॉडल लिस्ट। इसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं, यहां पर हम डाल रहे हैं रूम टाइप्स, यहां पर रूम टाइप्स जो है वो लिस्ट ऑफ मॉडल्स है रूम टाइप का, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बना लेते हैं, जनरेट मेथड स्टब, यहां से आ जाएगा, ये देखिए। किसी को कोई प्रॉब्लम, आई नंबरेबल टाइप ऑफ रूम टाइप्स आ रहा है इसमें, रूम टाइप्स इसमें आ रहा है, ठीक है। हम लोगों को रिटर्न करना है क्या, रिटर्न करना है लिस्ट ऑफ रूम टाइप्स व्यू मॉडल। इसमें आप लोगों को किसी को प्रॉब्लम है, किसी को नहीं प्रॉब्लम है, तो हम लोग यहां पर लिख देते हैं रिटर्न। मेरे पास यहां पर क्या आया है, लिस्ट आई है किसकी, रूम टाइप्स की, तो हम लोग लिखते हैं रूम टाइप्स डॉट सेलेक्ट, और एक्स बना लेता हूं इसका रेफरेंस। ये एक्स क्या है, ये एक्स है रूम टाइप्स, ठीक है। अब मैं बनाता हूं न्यू रूम टाइप व्यू मॉडल, रूम टाइप व्यू मॉडल, ठीक है, और इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेता हूं यहां पर। कंस्ट्रक्टर तो एक सिंगल था ही, ठीक है। इसमें हम लोग यहां पर एक्स भेज देते हैं, एक्स मतलब यहां पर एक सेलेक्ट का मतलब है सिंगल वैल्यू, ठीक है। और मुझे इसकी क्या चाहिए, इसकी फिर इसकी चाहिए लिस्ट डॉट टू लिस्ट। इतनी बात आप लोगों को समझ आई या नहीं आई, ये अपने आप ही यहां से मॉडल भेजेगा इसका एक एक सिंगल का, और उसकी लिस्ट कन्वर्ट करके इसमें आप लोगों के पास लिस्ट रूम टाइप व्यू मॉडल में चली जाएगी, यहां पर इसमें आ जाएगी VM लिस्ट में। तो VM लिस्ट के पास क्या है, इसका पूरा का पूरा डाटा है, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं रिटर्न VM लिस्ट। इतनी बात समझ आई। तो यहां पर हम लोगों को व्यू मॉडल है उसका इन्यूमरेशन टाइप आप लोगों को मिल गया, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पर पेजिंग की जरूरत होगी, क्योंकि हम लोगों को हो सकता है कि बहुत सारे रूम टाइप्स हों, तो हम लोगों को वहाँ पर पेजिंग की जरूरत हो। तो पेजिंग जो है वो कैसे इनेबल्ड करते हैं, कैसे लगाते हैं, वो हम लोग इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।